बीजेपी वाले इलेक्शन कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं महबूबा मुफ्ती को आदत है कभी कभार ये बातें करने की, मत वेट करिए सिग्नल का, आपको सिग्नल नहीं आएगा। बीजेपी वाले इलेक्शन कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के तरफ से उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन कराना शायद इनकी मजबूरी है, अगर मजबूरी नहीं होती तो वो शायद पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते। नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कहीं पर नहीं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे, 5 साल से ज्यादा हो गए हमें गवर्नर रूल के अंदर। एक तरफ से ये कहा जाता है कि हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं 2019 के बाद, अगर बेहतर हुए हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं। इलेक्शन शायद सिर्फ इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले जो है वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। जो करगिल में उनका हाल हुआ वो बाकी जम्मू कश्मीर में भी। कांग्रेस के सीएम महबूबा मुफ्ती कहा कि हम पे इल्जाम लगाते हैं, खुद उन्होंने 97 में जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। महबूबा मुफ्ती का आज बयान है किसके बारे में? आपके बारे में, किस चीज के बारे में? नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं महबूबा मुफ्ती को आदत है कभी कभार ये बातें करने की, बेहतर होता कि जब वो पार्टियों की मीटिंगें होती हैं तो ये बात वहां करें। मैं उनकी बातों में ये रिस्पांस नहीं करना चाहता। सर, आपने कहा कि हम डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आज तक डेली वेजेस के साथ धोखा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है, उनको परमानेंट इससे पहले क्यों नहीं किया? जैसे मैंने आपसे कहा, और अगर आप मेरी तकरीर सुन रहे थे तो इसका जवाब मेरी तकरीर में था, आपने शायद सुना नहीं। सुना ना, मैंने क्या कहा कि परमानेंट करने से पहले ये तय करना जरूरी था कि हैं कितने, क्योंकि यहाँ बहुत से नंबर चल रहे थे, कोई लाख कह रहा था, कोई 1.5 लाख कह रहा था, कोई 2 लाख कह रहा था, बिना ये जाने हुए कि हमको कितने रेगुलराइज करने हैं, हम क्या रेगुलराइज करते हैं। तो पहले सब कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने नंबर तय किया, जब नंबर तय हुआ फिर रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि पहले सैलाब आया और उसके बाद वक्त खत्म हुआ। अगर हमारी हुकूमत दोबारा आई होती आज वो तमाम डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हुए होते। चलिए, हमने नहीं किया, इन लोगों को किसने रोका? मुझे तो अब हुकूमत छोड़े हुए 9 साल हो गए, इन 9 सालों में इनसे क्यों नहीं हुआ? चलिए, बस शुक्रिया। फलस्तीन के लिए क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म का कोई बयान सामने नहीं आया।